हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जावा में आउटपुट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अब आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई कर सकते हो। आप क्या करो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो एंड ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, एंड बाद में आप चेक कर सकते हो कि आपका सोल्यूशन सही है कि नहीं। तो चलिए अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारा फर्स्ट पार्ट है मैथ डॉट सील -28.25। अब फर्स्ट पार्ट में हमें मैथ क्लास का एक फंक्शन दिया है मैथ डॉट सील। सो मैथ डॉट सील का मतलब सीलिंग वैल्यू, एंड किसका निकालना है सीलिंग वैल्यू, -28.25 का। अब यहाँ पे आप ध्यान ये देना कि यहाँ पे नंबर जो है माइनस का है। सो माइनस के नंबर्स के केस में सीलिंग वैल्यू क्या होगा आपका, जो कम वाला नंबर होगा। मीन्स जैसे जैसे माइनस में नंबर्स छोटे होते जाते हैं, लाइक -28 से बड़ा नंबर क्या होगा, -27। सो सीलिंग वैल्यू आप ऐसे सोचो, -28 का सीलिंग वैल्यू क्या होगा, 28। अब क्योंकि ये मैथ क्लास का फंक्शन है तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू हमें मिलेगा, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 28.0। ठीक है, याद रखना मैथ क्लास के फंक्शन में डबल टाइप वैल्यू देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है मैथ डॉट आर आई एन टी। अब मैथ डॉट आर आई एन टी क्या करता है, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करके हमें दे देता है। तो आप 38.96 को अगर राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 39। आप नंबर्स को राउंड ऑफ कर लो, यहाँ पे पॉइंट के आगे 9 है, सो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा, 39। एंड मैथ क्लास का फंक्शन है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये डबल टाइप वैल्यू देगा, 39.0। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें निकालना है मैट डॉट फ्लोर 144.99। सो इसका फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन्स जो इससे जस्ट नीचे वाला हमारा होल नंबर वैल्यू होगा वो आ जाएगा आंसर, मीन्स 144.0, क्योंकि ये डबल टाइप वैल्यू हमें रिटर्न में देगा। सो इसका आउटपुट हो जाएगा 144.0। सो हमारा डी पार्ट देखते हैं अभी। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मैट डॉट ए बी एस 3489.45, एंड इसका हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब बस इतना होता है कि अगर आपके कोई भी नंबर में साइन लगा हुआ है प्लस या माइनस, तो आप बस उसको माइनस साइन को हटा के आप बस उसका वैल्यू लेते हो, मीन्स साइन यहाँ पे हट जाता है। सो यहाँ पे कोई साइन तो है नहीं, मीन से पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा हमारा, 3489.45। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, मैट डॉट मैक्स। एंड मैट डॉट मैक्स हमें किसका निकालना है, मैट डॉट मिन 15.25.5। अब यहाँ पे इस तरह क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो तो ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है, ये क्या है, मैट डॉट मिन। सो मैट डॉट मिन किसका, 15.25 का। सो यहाँ पे 15 एंड 25 में आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा 15। सो मैट डॉट मिन 15.25 आपको देगा 15। सो यहाँ से आपको 15 मिला। अब इसके बाद हमें चेक करना है मैट डॉट मैक्स। अब इस 15 में, यहाँ आपको 15 मिल गया है, अब इस 15 एंड 5 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। अब 15 और 5 में मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे तो मैट डॉट मैक्स आपको क्या दे देगा, 15। अब 15 एंड 5 में से मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या है, 15। सो 15 आ जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, इंटीजर। अब हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना है इन टाइप में, और ये किसका करना है, यहाँ पे दिया है एक स्कॉलर स्ट्रिंग है डॉट कैरेट टू। अब कैरेट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में से हमें कैरेक्टर निकाल के देता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स का। सो यहाँ पे आप देख लो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, 0, 1, 2। सो सेकंड प्लेस पे आपका कौन सा कैरेक्टर है, h। तो यहाँ पे h आपका एक कैरेक्टर है। तो जब हम कैरेक्टर को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे सो h का ASCII वैल्यू हमें मिलेगा, एंड स्मॉल h का ASCII वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे h का ASCII वैल्यू होगा 104। सो यहाँ कितना आ जाएगा, 104 आउटपुट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ट्यूटोरियल, एंड यहाँ पे हमें यूज करना है इंडेक्स ऑफ फंक्शन। सो ट्यूटोरियल डॉट इंडेक्स ऑफ आई, ये फंक्शन क्या करेगा, आई कैरेक्टर का सबसे फर्स्ट इंडेक्स देखेगा यहाँ ट्यूटोरियल वर्ड में कहाँ पे है, एंड उसका हमें इंडेक्स ला के दे देगा। सो यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ प्लेस पे आई फर्स्ट टाइम आ रहा है, सो ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू ला के दे देगा, 5। सो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक स्ट्रिंग दिया है, एंड यहाँ पे फंक्शन यूज किया गया है मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एस। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इस कैरेक्टर का जो लास्ट अक्रेंस है उसका इंडेक्स लाके हमें दे देगा। सो यहाँ पे काउंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो सिक्स प्लेस पे एस लास्ट टाइम अकर हो रहा है, सो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, 6। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, सो यहाँ पे कुमार विवेक डॉट सब स्ट्रिंग 3.4। सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें हमें सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाया है। सो सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में से ये 3.4 तक का सब पार्ट निकाल के ले आएगा। सो यहाँ पे इंडेक्स देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। फोर तक हमें काम है, हमने यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद हमें इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक लेना है, थर्ड इंडेक्स से 4 से 1 कम तक। आप पीछे जाके फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग वाला वीडियो देख सकते हो। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए आउटपुट, बिकॉज यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ एंड कहाँ तक, 4 से 1 कम तक हमने इतना पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लिया। सो हमें यही आउटपुट मिल जाएगा।
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मैट डॉट एस क्यू आर टी 100। सो ये फंक्शन क्या करेगा, हमें 100 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 10 एंड 10.0, बिकॉज एस क्यू आर टी भी मैथ क्लास का फंक्शन है। सो मैथ क्लास का फंक्शन डबल टाइप का वैल्यू देता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 10.0। सो ये है आंसर। सो ये थे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, एंड साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।